ओके तो सिचुएशन ऐसा है कि काफी ज्यादा ओके गुड इवनिंग और बिग बुद्धा के इस टूर के बाद हम लोग होटल आ गए और सो गए और अभी लगभग 7:15 हो रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी जगहों पे प्रोटेस्ट चल रहा है तो ध्यान से देख के जाना है हमको। तो अभी हम लोग ने चेक किया कि किस किस एरिया में प्रॉब्लम नहीं है, तो फिलहाल लोग जा रहे हैं नॉर्थ पॉइंट, वहाँ पर मेहुल से मिलेंगे और फिर एक मॉल में जाएंगे और उसके बाद एक और कॉमन फ्रेंड से मिलके वापस घर आ जाएंगे, घर मतलब होटल आ जाएंगे। एंड आई थिंक एक समरी जैसा हो गया है मेरा ये हांगकांग का ट्रिप। बहुत अच्छा ट्रिप रहा मेरा, खुद से ट्रैवल करना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उन चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा आपसे डिटेल में, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। फिलहाल चलते हैं नॉर्थ पॉइंट। तो प्लान थोड़ा चेंज हो गया है, अभी हम लोग नॉर्थ पॉइंट नहीं ताइकू आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे सिटी प्लाजा मॉल है, तो फटाफट जाते हैं कुछ शॉपिंग करते हैं। आज है लास्ट डे हमारा हांगकांग में, अभी ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। रात को मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी प्रोटेस्टिंग का और काफ़ी ज़्यादा रूमर्स भी थे कि यहाँ से मत जाओ वहाँ से मत जाओ, तो हम लोग MTR भी नहीं ले पाए, यानी कि यहाँ का जो लोकल ट्रेन है वो भी नहीं ले पाए, उनको टैक्सी में आना पड़ा। बट काफ़ी हद तक लग रहा था कि लोग डरे हुए हैं और ट्रांसपोर्टेशन में नहीं होना था, बट लकीली हम लोग पहुंच गए थैंक्स टू मेहुल, उसने टैक्सी करवा दिया और उसकी फ्रेंड ने एक्सप्लेन भी कर दिया कि कहाँ हमको एग्जैक्टली आना है, तो टैक्सी ड्राइवर ने बराबर हमको पहुंचा दिया। तो उसके बाद इवनिंग में भी कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं मैंने, अभी फटाफट जाता हूँ ब्रेकफास्ट करता हूँ और उसके बाद एयरपोर्ट जाने की तैयारी। उसमें भी रूमर्स आ रहे हैं कि शायद कुछ जितनी जल्दी हो सके आप लोग पहुँच जाओ एयरपोर्ट, शायद प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोटेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो अभी फटाफट जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं और एयरपोर्ट की तरफ रवाना। ओके तो सिचुएशन ऐसा है कि काफी ज्यादा तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि काफी खराब सिचुएशन है, काफी लोग
धरने पे निकले हैं और लोकल ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दिया है यहाँ पे, कि हम लोग कैसे भी करके हांगकांग स्टेशन पहुँच गए जहाँ से हमको एयरपोर्ट एक्सप्रेस लेना है। मैं कैमरे में देख के इसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ ताकि लोगों को थोड़ा सा ऑकवर्ड ना लगे। तो अभी फटाफट मैं ट्रेन में घुस रहा हूँ जो मुझे एयरपोर्ट छोड़ेगा, और उसके बाद मैं अपडेट देता हूँ। फाइनली ट्रेन चालू हो गया है। नॉर्मली ट्रेन लेट नहीं होते हैं बट आज थोड़ा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, इसलिए ट्रेन थोड़े स्लो चल रहे हैं और डिले चल रहे हैं। फिलहाल ट्रेन चालू हो गया है और हम लोग एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़े हैं। भाई एयरपोर्ट पहुंच गए और सब भाग रहे हैं, फटाफट जाते हैं चेक इन करते हैं, देखते हैं सिचुएशन क्या है। पर एयरपोर्ट तो आ गए हैं भाई। तो अभी ऐसा सीन है कि एयरपोर्ट पे सेटल डाउन हो गए हैं और अभी हम लोग दोनों की फ्लाइट्स अलग है मुंबई के लिए। शी इज़ गोइंग बाय सिंगापुर एयरलाइंस और मेरी वापस मलेशिया एयरलाइंस है। हम लोगों ने ट्राई किया कि एक साथ चलें बट काउंटर्स खुले नहीं हैं, तो वापस अकेले आना पड़ेगा मुंबई। ऐश करो। यानी ऐश नहीं, ऐश ठीक है, अपना एक फ़ायदा रहता है बट एनीवे। सो अभी फटाफट हम लोग थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लेते हैं और उसके बाद चेक इन कर लेता हूँ मैं भी मुंबई के लिए। आपसे मैं मिलता हूँ अगले शॉट में। तो सिक्योरिटी चेक इन के लिए जा रहा हूँ, बैग वैग चेक इन कर लिए हैं, मिला है विंडो सीट वापस। मुस्कुराने से हर चीज़ आसान हो जाती है। मैंने देखा है कि इतने पूरे प्रॉब्लम में अगर आप मुस्कुरा के बात कर लो किसी से ना, तो भी आपका काम हो जाता है, और वैसे ही होना चाहिए। तो अभी इसको लेके मैं जाता हूँ और सिक्योरिटी चेकिंग करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ अंदर। सिक्योरिटी चेक इन इमिग्रेशन का पार्ट वगैरह हो गया है और अभी मैं भाग के आया था मेरी वाइफ से मिलने उसकी फ्लाइट के पहले। थोड़ा फिल्मी है बट अच्छा लगा। अभी मैं जा रहा हूँ अपने गेट पे, मेरा गेट नंबर 214 है, मैं फिलहाल हूँ गेट नंबर 5 के पास। सुनने में आया है कि ट्रेन लेना पड़ेगा उसके लिए, तो मैं अभी जाता हूँ वहाँ पर और ट्रेन लेता हूँ। भैया प्रबंध तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर इतना ही घुमाना था तो 2-3 रिक्शा रख लेते हैं, आसान रहता है। ऊपर चढ़ो, लिफ्ट लो, नीचे आओ, फिर चलो। आ गया है 214। आपसे मिलता हूँ मुंबई में।
हम लोग लैंड कर गए हैं मुंबई में और इसके साथ ये हांगकांग ट्रिप समाप्त होता है और आने वाले वीडियोस में आप ट्रैवल ब्लॉग्स के साथ साथ कुछ अलग टाइप के वीडियोस भी देखेंगे तो अभी के लिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए व्यस्त रहिए।